इफ द लीस्ट सेड सूनेस्ट मेंडेड, अर्थात जितना कम बोला जाए उतने ही रिश्तों में जल्दी सुधार आ जाता है। यदि आपका किसी से रिश्ता टूट गया है, बोल चाल बंद हो गई है, तो आप कम बातचीत करें, किसी से थोड़ी कहन सुनन हो गई है तो कम बातचीत करें, रिश्तों में दोबारा से सुधार होने की गुंजाइश रहती है। मैं एसके मिश्रा शार्क करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आज जो शब्द लिया है वो है बहुत प्रसिद्ध शब्द, जगाना, जागना, जागा हुआ। इस प्रकार के शब्द कितने प्रयोग में आते हैं और अलग अलग प्रयोग हैं इनके, देखें किस तरीके से मैंने इसको बताया है। जगाना, किसी को जगाना, सोते से जगाना, अवेकिन, अवेकिन, सोते से जगाना। यदि इसमें सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी है ईडी और लगा दीजिए, अवेकिंड, अवेकिंड। वेक अप इसकी दूसरी अंग्रेजी होती है, डब्ल्यू ए के ई यू पी, यूपी अलग शब्द है। तो वेक अप और वेक वोक वोकिंग इसकी तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट वेक, सेकंड वोक, थर्ड वोकिंग, इस तरीके से इसकी तीन फॉर्म होती है। अवेकन अलग है, इसकी भी तीन फॉर्म होती है, ईडी लगाने से सेकंड थर्ड बन जाती है। उसे जगा दो, वेक हिम अप, वेक देम अप, वेक हर अप, जगाना, उसे जगा दो, उन्हें जगा दो, और हर आता है लड़की के लिए, उसे जगा दो, वेक हर अप, उसे जगा दो। मुझे 5 बजे जगा दिया गया, मुझे 5 बजे जगा दिया गया, आई वॉज अवेकेंड एट 5 o'clock, आई वॉज अवेकेंड, मुझे जगा दिया गया, पैसे वाइस ही, मुझे जगा दिया गया एट 5 o'clock, 5 बजे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, साथ में लगा दो, अर्थात यदि सुबह कहना है तो इन द मॉर्निंग, शाम को कहना है तो इन द इवनिंग, इस तरीके से कह दीजिए, क्लॉक 5 o'clock, बाई द नॉइज लगा सकते हैं, जैसे आई वॉज आके अवे, बाई द नॉइज, मैं शोर से जाग गया, आई वॉज अवेकेंड बाई द नॉइज, शोर से मैं जाग गया, शोर सुनकर मैं जाग गया। वेक अप, यू आर लेट, जग जाओ, तुम लेट हो, तुम्हें देर हो गई है, वेक अप, यू आर लेट, तुम्हें देर हो गई है, जाग जाओ। मदर वेक्स मी अप, अब सभी की मां या पिताजी जगाते हैं, पापा जगाते हैं, मदर वेक्स मी अप, मां मुझे जगाती है एट 6 एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 6 बजे मां मुझे जगा देती है। माई फादर, माई मदर ऐसे कह सकते हैं, माई फादर वेक्स मी अप, मेरे पिताजी मुझे जगा देते हैं एट 6 एवरी मॉर्निंग, 6 बजे सुबह। सोकर उठना, आई वेक अप एट 7 o'clock, मैं सोकर उठता हूं 7 बजे, मैं 7 बजे सोकर के उठता हूं। एक शब्द और आता है गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी जग जाता हूं, आई वेक अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे जग जाता हूं सुबह। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप जल्दी सोकर उठ जाते हैं सुबह, सुबह सुबह के जल्दी सोकर उठ जाते हैं, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखें जागते हुए, वी स्पेंट ए वेकफुल, वेकफुल शब्द का इस्तेमाल होगा जागते हुए, जागते हुए चौकन्ना। वी स्पेंट ए वेकफुल नाइट वरिंग अबाउट हर, उसकी चिंता करते हुए हमने जागरण की रात बिताई, अर्थात हम जागते रहे,
रात भर उसकी चिंता में वी स्पेंट बिताई, स्पेंट माने बिताई, स्पेंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यानी टी की जगह अगर डी लगा दें तो स्पेंड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है स्पेंट, स्पेंट सेकंड थर्ड है। वी स्पेंट ए वेकफुल नाइट वरिंग अबाउट हर, हमने सारी रात जागकर गुजार दी उसकी चिंता में। अब देखें अगला शब्द अराउज, अराउज किस किस जगह यूज होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। अराउज इसकी फर्स्ट फॉर्म है AROUSE, सेकंड और थर्ड फॉर्म में केवल डी और जुड़ जाएगा, डी शब्द और जुड़ जाएगा, डी अक्षर, अराउज्ड, यही सेकंड है अराउज, यही थर्ड भी है। माई इंटरेस्ट, तो ज्यादातर किसी को रुचि जगाने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, अराउज शब्द का। माई इंटरेस्ट इन बर्ड्स अराउज व्हेन आई वाज 10 years old, अर्थात जब मैं 10 साल का था तो चिड़ियों के प्रति मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि जागी। माई इंटरेस्ट इन बर्ड्स, या किसी सब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं, इन बायोलॉजी, इन साइंस, इन ज्योग्राफी, इन हिस्ट्री, कुछ भी ले सकते हैं। अराउज्ड जागा, अराउज्ड जागा। आई वॉज अराउज्ड बाई द नॉइज, मैं शोर की वजह से जग गया, तो जागने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, रुचि जागने जगाने के लिए, जागने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जगाने के लिए भी होता है। टू अराउज एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म माने होता है उत्साह, टू अराउज एंथुजियाज्म उत्साह जगाना, इंटरेस्ट तो मैंने बताई दिया, इंटरेस्ट जगाना यानी रुचि जगाना, सद्भावना सिंपैथी, सद्भावना जगाना सहानुभूति, सिंपैथी को सहानुभूति भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये शब्द का अराउज का इस्तेमाल होता है, और जागा जगाया, देखो दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है इसका। जागना जागना, टू राइज जागना, ही वेक्स अप एट 7 o'clock, वह 7 बजे जागता है। अब यहां पर था जगाना, अब है जागना, तो राइज शब्द का इस्तेमाल होता है, वेक अप शब्द का इस्तेमाल होता है। ही वेक्स अप एट 7 o'clock, ही राइजेज एट 7 o'clock, राइज के साथ अपने लगता, ही राइजेज एट 7 o'clock, वह 7 बजे जागता है। टू वेक अप, आई वोक अप, मैं जाग गया, मैं जाग गया। अब देखें अलर्ट शब्द का भी इस्तेमाल होता है, अलर्ट शब्द ज्यादातर चौकन्ना रहने के लिए, चौकस रहने के लिए लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, अलर्ट रहो, सावधान के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सावधान रहो, बी अलर्ट। जाग उठना, देखें आवर कंट्री हैज बिकम अलर्ट, हमारा देश अब जाग उठा है, अब सो नहीं रहा है, अब सब लोग बड़े सचेत हैं, जाग गए हैं। आवर कंट्री हैज बिकम अलर्ट, द साउंड ऑफ गन फायर अलर्टेड, मुझे सावधान कर दिया, चौकस कर दिया, चौकन्ना कर दिया, किसने, बंदूक की आवाज ने। आई द साउंड ऑफ गन फायर, जो फायर हुआ गन से, यानी बंदूक चली तो आवाज से, गोली की आवाज से, द साउंड ऑफ गन फायर अलर्टेड मी, चौकन्ना कर दिया आवाज ने, गोली की आवाज ने मुझे चौकन्ना कर दिया। ऑन द अलर्ट, ये भी बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, चौकस जागे हुए, वी वर ऑन द अलर्ट फॉर एनी साउंड, हर आवाज के लिए हम जागे हुए थे, वी वर ऑन द अलर्ट, बिल्कुल चौकन्ने थे, जागे हुए थे, ऑन द अलर्ट, जागे हुए चौकन्ने। जागरण जागरण विजिल, अब आप कहेंगे कि ये जो आजकल जागरण होता है रिलीजियस विजिल कहते हैं इसको, रिलीजियस विजिल, जागना
जागरण, रिलीजियस माने होता है धार्मिक, विजिल माने होता है जागरण, रिलीजियस विजिल जागरण। विजिल, ए वॉचमैन की डिवोशनल विजिल जागरण, धार्मिक जागरण को कहते हैं ये सब भक्तिमय। विजिल जागरण, देयर वॉज ए विजिल इन आवर लोकेलिटी, हमारे यहां हमारी लोकेलिटी में हमारे मोहल्ले में जागरण था। देयर वॉज ए रिलीजियस विजिल डिवोशनल विजिल इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में जागरण था। इस तरीके से हम वो वाले जागरण की अंग्रेजी लिख सकते हैं। ए वॉचमैन कीप्स विजिल इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में वॉचमैन यानी पहरेदार वो विजिल रखता है, अर्थात जागरण रखता है। जागते रहो कहता हुआ निकल जाता है, सोते आदमी भी जग जाते हैं। ए वॉचमैन कीप्स विजिल इन आवर लोकेलिटी। वह, अब देखें ये सेंटेंस को, ये सेंटेंस आपने शायद ही सुना हो, या अंग्रेजी नहीं सुनी होगी, हिंदी में तो खूब सुना होगा, हिंदी उर्दू के शब्दों का इसमें इस्तेमाल है और मैंने ये सेंटेंस अलग से दिया है। वह शोख, चंचल, तेज तर्रार लड़की है। गानों में भी ऐसा आता है, पुराने गानों में भी ऐसा इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। शी इज विविड, विविड माने होता है स्पष्ट, और शोख कहते हैं। उसके बाद प्लेफुल, प्लेफुल कहते हैं चंचल को जो खेलता फिरे, प्ले माने खेलना, तो प्लेफुल माने चंचल जो खेलता फिरे। और जोशीली, फायरी, इसकी FIERY, फायरी, तेज तर्रार। तो देखें, शोख विविड, चंचल प्लेफुल, फायरी तेज तर्रार। शी इज ए विविड, वह एक शोख, प्लेफुल, चंचल एंड फायरी तेज तर्रार, जिसमें जोश हो, फायरी कहते हैं उसको। शी इज ए विविड प्लेफुल एंड फायरी गर्ल, इस तरीके से हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इसमें मैंने गर्ल नहीं लिखा है, आप देख लीजिए, अब लिख दे रहा हूं। GIRL, गर्ल, गर्ल माने लड़की। अब देखें चंचल की और अंग्रेजी क्या होती है। चंचल, फिकिर, जिसका दिमाग या वातावरण पल पल में बदलता रहे, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहे, उसे फिकिर कहते हैं। ही इज ए फिकिर माइंडेड पर्सन, उसका दिमाग ही ऐसा है, जरा सी देर में कुछ, जरा सी देर में कुछ, चंचल दिमाग है उसका, ये स्थिर दिमाग नहीं है। फिकल, FICKLE, फिकल। ही इज फिकल माइंडेड पर्सन, वह बहुत चंचल दिमाग का आदमी है। और अगर मौसम के लिए भी कहा जाता है, क्लाइमेट के लिए भी यही कहा जाता है, क्लाइमेट इज फिकल। एट हिल्स, पहाड़ों पर क्लाइमेट यानी वातावरण बदलता रहता है, कभी बरसात हो जाती, कभी ओले पड़ जाते, तो इस तरीके से बदलता रहता है। जागरूक, आजकल ये शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, और वो भी अंग्रेजी का शब्द अवेयरनेस, जागरूकता, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। जागरूकता, जागरूकता बनाए रखो। देखें जागरूक की अंग्रेजी क्या होगी, पहले ये समझ लें। वाइड अवेक पहली अंग्रेजी, विजिलेंट दूसरी अंग्रेजी, वेकफुल तीसरी अंग्रेजी, वॉचफुल चौथी अंग्रेजी। चार मैंने अंग्रेजी दी है, वॉच और अवेयर, एक और है अवेयर, इसका मैंने सेंटेंस भी दिया है। आई एम अवेयर ऑफ डेंजर, मैं खतरे के प्रति जागरूक हूं, मुझे पता है कि खतरा है। या अगर इसको नेगेटिव में लेना, आई एम नॉट अवेयर ऑफ डेंजर, मुझे खतरे का पता नहीं था, मैं जागरूक नहीं था। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी इसकी बनाते हैं। तो वॉचफुल पब्लिक, जागरूक जनता, वॉचफुल यूथ,
जागरूक युवक, नव युवक, जागरूक लोग यानी विजिलेंट, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें से, वेकफुल, विजिलेंट, वॉचफुल, कुछ भी लगा सकते हैं। वॉचफुल पीपल, वॉचफुल पीपल माने चौकन्ने लोग, चौकस लोग, सावधान लोग, जागरूक लोग। अब देखें जागरूकता की अंग्रेजी क्या है। जागरूकता की अंग्रेजी ज्यादातर जो बोली जाती है वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस ज्यादातर ये बोली जाती है, AWARENESS, टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता, जागृत करना किसी में, पैदा करना, टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता, वेकफुलनेस भी इसकी अंग्रेजी होती है, यूज टू तो अवेयरनेस बहुत होती है, वेकफुलनेस, विजिलेंस, अवेयरनेस तीसरी मैंने लिखी ही है, दो और है वेकफुलनेस विजिलेंस, तो ये जागरूकता के लिए है। और यदि इसमें पैदा करने की लगानी है तो क्रिएट शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिएट की फर्स्ट फॉर्म है क्रिएट, सेकंड क्रिएटेड, थर्ड भी क्रिएटेड। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।